आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू ईयर स्पेशल एकदम रोइनीय नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाली इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई के बनाने के लिए ना हमें मावा चाहिए, ना हमें मिल्क पाउडर, ना हमें दूध चाहिए। मिनटों में झट से ही मिठाई के बजट में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, आपको सिर्फ आपको 20 से 25 रुपये खर्च होंगे। 20 से 25 रुपये में न्यू ईयर के पार्टी में इतना डिलीशियस आप मिठाई बनाकर झट से तैयार कर सकते हैं। जो कोई खाएगा सबसे पहले आपसे जरूर पूछेंगे कि ये मिठाई आपने कैसे बनाई हो। खाने में एकदम क्रीमी क्रीमी लगता है, तो न्यू ईयर के पार्टी के लिए ये रेसिपी आपको परफेक्ट रहेगी। तो चलिए इस रेसिपी के हम जान लेते हैं कि बनाना है कैसे। न्यू ईयर स्पेशल एकदम सुपर टेस्टिंग रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर बड़े साइज के एक हम नारियल के गोले ले लिए हैं। इसे हम छिलका हटा लिए हैं। छिलका हटाकर आपको वेस्ट नहीं करना है, फूल के गमले हैं तो उसमें आप डाल दीजिएगा। यहाँ पानी निकाल लिए हैं, तो पानी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो पानी भी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। दो हिस्सों में नारियल के तोड़ लिए हैं, चम्मच ले लीजिए चाहे नाइफ ले लीजिए, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा नारियल के पल्प। बहुत आसानी से नारियल के पल्प निकल जाता है। नारियल के ऊपर के परते हैं इसे निकाल लिए हैं नाइफ से। निकाल कर हम अच्छे से हम इन्हें नारियल के हम धो लिए हैं। दो पानी से आपको धोकर साफ कर लेना है। अब चलिए हम छोटे छोटे क्यूब्स में हम कट कर लेते हैं, तो इस तरह से आप कट करके तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम नारियल के छिलका उतार के रखे हैं। अब धनिया की चटनी पीसिएगा, उसमें आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक कप चाहे कटोरा आप सेट कर लीजिएगा, उसी से आप पूरा मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम कटोरी से हम दो कटोरी यहाँ पर नारियल के हम क्यूब्स ले लेंगे। अब यहाँ पर एक मिक्सी ग्राइंडर ले लीजिए, मिक्सी ग्राइंडर में सारे क्यूब्स आप डाल दीजिएगा। दो कटोरी यहाँ पर हम क्यूब्स हम डाल दिए हैं। अब इसे हम ढक्कन लगा के हम पसमो पर चला के हम पीस के तैयार कर लेंगे। लीजिए यहाँ पर हम कद्दूकस करके हम तैयार कर लिए हैं। इस तरह के हम कद्दूकस किए हैं, आप देख सकते हैं। जिस कटोरी से हम दो कटोरी यहाँ पर हम नारियल के क्यूब्स लिए थे, उसी कटोरी से एक कटोरी यहाँ पर हम नॉर्मल पानी ले लिए हैं। रूम टेम्परेचर पर पानी है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, नॉर्मल पानी हम डाल देंगे। और डालकर हम फिर से ढक्कन लगा के इसकी पेस्ट बना के तैयार कर लिए है। तो लीजिए हमारी नारियल की पेस्ट एकदम क्रीमी क्रीमी तैयार हो गई है, एकदम स्मूथ पीस गई है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ लेंगे एक सॉस पैन, एक लेंगे छन्नी, और छन्नी के ऊपर लगाएंगे एक मलमल के कपड़ा। आप चाहे तो खाली छन्नी में भी आप छान सकते हैं। मलमल के कपड़ा लगाएंगे तो इसकी टुकड़ी आपको नीचे नहीं जाएगी, आसानी से नारियल के गोले के दूध निकल जाएगा। अब यहाँ हम तैयार किया हुआ पेस्ट हम छन्नी के अंदर हम डाल देंगे। और छन्नी के अंदर डालकर अभी से चारों कोना से आप कपड़ा इस तरह से पकड़ लीजिएगा। पकड़ के अच्छे से जितना हो सके उतना आप नारियल के दूध निकाल के अलग कर लीजिएगा। इसकी फायदे जितना बताओ उतना कम है। महंगे महंगे क्रीम साबुन आप यूज करते हैं ना, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर नारियल के आपको बुरादा बच गया है, तो इसे आप सुखा के आप बुरादा बना लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा आप भून दीजिएगा ताकि बुरादा अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसकी पानी के मॉइस्चर होता है ना से ख़त्म हो जाता है। चाहे तो आप मसाले में यूज कर लीजिएगा, चाहे तो आप कोई मिठाई बना रहे हैं इंस्टेंट तो उसमें आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, चाहे तो अपना मनपसंद मिठाई बना सकते हैं। आपके पास मार्केट वाली मिल्क मिक्स कोकोनट के पैकेट वाली है तो उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ताकि आपके टाइम की बचत होगा। इसी दूध में से हम दो कड़छी निकाल लेंगे, बाकी का दूध बचेगा से हम गैस के ऊपर हम चढ़ा देंगे। या चढ़ा के गैस के हम स्लो कर देंगे, और बीच बीच में हम दूध के चलाते रहेंगे। और जो हम दूध अभी निकाल के रखे हैं ना, उसकी हम बिस्लेरी बना लेंगे। तो यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर ले लिए हैं, वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लिए। तब कौन सा फ्लेवर के पसंद करते हैं वो फ्लेवर के आप बना सकते हैं। कॉर्नफ्लोर के जगह आप चाहे तो आरारूट पाउडर भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम डालेंगे 3 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर, और डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हम मिक्स करके हम इसे बिस्लेरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तब बिस्कर ले लिए हैं, बिस्कर से मिक्स करेंगे तो इसमें अच्छे से लम्स हट जाएगी। बिस्लेरी हम तैयार कर लिए हैं, चलिए अब दूध के देख लेते हैं। तो दूध भी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है, गैस के हम मीडियम कर दिए हैं। अब इसी में डाल देंगे 1/4 कप चीनी। तो चीनी आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब मिक्स करके हम मेल्ट होने देंगे चीनी के। तो चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गया है, फ्लेम के आपको मीडियम रखना है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, इधर बिस्लेरी बना के रखे हैं ना, अब इसी में डालेंगे। तो इसे पहले मिक्स कर लेते हैं, और दोनों हाथ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ बिस्कर ले लिए हैं, बिस्कर से आप मिक्स करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा भी लम्स नहीं पड़ेगा। तो
तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम गिराते जाएंगे बिस्लेरी, एक हाथ से हम मिक्स करते जाएंगे, नहीं तो ये तले में जल्दी बैठ जाता है कॉर्नफ्लोर। तो इस तरीके से आपको मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे पकेगा वैसे ही गाढ़ा होते जाएगा, इसकी कलर टेक्सचर कंसिस्टेंसी चेंज होते जाएगा। तब बिल्कुल आपको लगातार चला लेना है, नहीं तो आपकी रेसिपी बिगड़ भी सकता है। तब बिल्कुल आपको चलाते हुए पका लेना है। यहाँ हमारी बैटर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, एक करछी के ऊपर एक कोटिंग लग गया है। तो हमें इतने हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें पतला भी नहीं चाहिए ना ही हमें गाढ़ा चाहिए। अभी इसी स्टेज पर गैस के करेंगे बंद। अब चलिए फटाफट मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर घर में रखी हुई एक टिफन हम ले लिए हैं, इसके जगह आप मोल्ड भी ले सकते हैं। चाहे तो आपके पास छोटा कटोरा है तो उसमें भी आप जमा सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम घी ग्रीस कर लेंगे, इसके जगह चाहे तो बटर भी ग्रीस कर सकते हैं। घी आप ग्रीस करेंगे तो बहुत बढ़िया मिठाई में स्वाद आएगा। तो यहाँ पर हम घी ग्रीस करके हम तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम बैटर के हम देख लेते हैं। तो यहाँ बैटर भी और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम सिल्की शाइनी हमारी बैटर तैयार हुई है, एक रिबन के तरह गिर रहा है आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके के हमें बैटर हमें चाहिए। अब चलिए गर्मा गर्म बैटर हम मोल्ड में हम डाल देंगे। तो इस तरह से पूरा आप डाल दीजिएगा और डाल कर इसे टाइप कर लीजिएगा ताकि इसकी एयर बबल होगा से निकल जाएगा। अब इसे पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लीजिएगा, ठंडा करके 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख लीजिएगा। फ्रीजर में नहीं रखिएगा तो सिर्फ फ्रिज में रख के मिठाई की आप जमा लीजिएगा, बहुत बढ़िया से मिठाई जम के तैयार हो जाता है। 2 घंटे हो गया था, हम फ्रिज से हम निकाल लिए हैं। अब चलिए फटाफट इन्हें हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप हाथ के प्रेशर देंगे तो ये आसानी से साइड से छोड़ देगा, बहुत आसानी से निकल जाता है, आपको नाइफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके ऊपर हम प्लेट डाल देंगे मोल्ड के ऊपर, डालकर हम इसने डीमोल्ड कर लेंगे। तो थोड़ा सा हाथ से हम टाइप कर देंगे ताकि आसानी से डीमोल्ड हो जाए। तब वाओ, आप देख सकते हैं कितना सुंदर मिठाई परफेक्ट जम गया है। अब इनके ऊपर हम गार्निशिंग कर देंगे, गार्निशिंग ऊपर करेंगे तो और भी ज़्यादा देखने में सुंदर लगेगा और भी ज़्यादा खाने में ज़बरदस्त टेस्ट लगेगा। तो इस तरीके से हम गार्निशिंग कर लेंगे। तो यहाँ हम बादाम ले लिए हैं, इन्हें हम क्रश कर लिए हैं। आप अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट से आप इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये लीजिए सुपर टेस्टिंग सुपर हेल्दी न्यू ईयर स्पेशल हमारी मिठाई तैयार हो गई है। तो इसे हम कट कर लेते हैं तो आपको देख सकते हैं कट करने से पता चल जा रहा है कि कितना सॉफ्ट नरम मुंह में घुल जाने वाली हमारी डिलीशियस मिठाई तैयार हो गई है। एकदम जेली के तरह क्रीमी क्रीमी मिठाई हमारी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट तैयार हुई है, खाने में बहुत बढ़िया लगती है गाइस। तो इस न्यूयर पर आप एक बार जरूर बनाकर देखिएगा, ये रेसिपी आपको 100% आपको पसंद आएगी। मिनटों में बजट में आप तैयार कर सकते हैं, बहुत जल्दी तक तैयार हो जाता है। कट करने से आपको पता चल जा रही कितना क्रीमी क्रीमी हमारी मिठाई तैयार हुई है। तो चलिए हम इस रेसिपी के हम एंड करते हैं। तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल के लाइक और शेयर कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय गाइस।